नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर बड़ी जो है वो आजम खान को लेके, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आजम खान की दिक्कत एक बार फिर बड़ी है, और इस बार बड़ी है इसलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कह दिया है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी आप सही सुन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस मुखिया ने मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो मामले चल रहे हैं रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर, उस मामले पर कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कहा रामपुर एसपी ने आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर एक सवाल के जवाब में, जरा आप सुनिए। जो आजम खान ने अपनी सिक्योरिटी वापस की है जी, उसके पीछे क्या? उसका ये है कि विधायक जी का और उनके विधायक पुत्र का मुकदमा यहाँ पे चल ही रहा है। 313 में लगा है एक मुकदमा आजम खान साहब का, उसमें उनको सफाई देनी होती है। लास्ट कंक्लूड हो गया मुकदमा, तो उसमें कोर्ट ने उनको बुलाया था सफाई के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, उनके वकील ने बताया, तो गंगाराम में भर्ती थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे डेट पर भी नहीं आए, फिर डेट दी गई, तीसरे पर भी नहीं आए, तो फिर कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि CMO रामपुर इंक्वायरी करे कि क्या हो रहा है, तो और इनके जो वकील हैं वो पता बताएँ कि कहाँ रह रहे हैं। तो अगले दिन वकील ने कहा मुझे पता नहीं मालूम है, और CMO साहब ने टीम बना के भेजना चाहा तो नहीं गई टीम, तो उनसे पूछा गया तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो गनर का पता लगाया, गनर ने बताया हमको वापस कर दिए। तो तीन गनर थे उनके पास, आजम खान साहब के पास और एक उनके बेटे के पास अब्दुल्ला साहब के पास, चारों ही वापस आ गए लाइन में। फिर अगले दिन भेजा गया, पता करो कहाँ है, सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, आखिरकार हमारे लिए वो एक महत्वपूर्ण एसेट है भाई समाज के लिए। तो दोनों निराश होकर लौट आए, कहीं पता नहीं चला उनको। फाइनली वो लाइन में हैं फिलहाल, अब जैसे वो चाहेंगे तो उनको फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी सुरक्षा, अभी तो उनका कुछ जानकारी भी नहीं है कहाँ रह रहे हैं। कौन आजम खान? यस। तो कुछ आगे की क्या कार्रवाई? अब आगे में न्यायालय में आज लगा हुआ है केस, कोर्ट तय करेगा अब क्या करना है उसको। कोर्ट ने उनको ऑप्शन दिया था कि या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या जरिए वकील अपना पक्ष रख दें, कोर्ट प्रोसीडिंग तो आगे बढ़े, तो आज कोई ना कोई निर्णय कोर्ट लेगा उसमें। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस तो कोर्ट के आदेश का वेट करेगी ना, कोर्ट तो आदेश जो करेगा मुकदमे में उसकी कंप्लायंस करेगी पुलिस। दूसरा एक सर्च वारंट का भी उनका लगा हुआ है, पुलिस सर्च करना चाह रही थी जोर यूनिवर्सिटी का, तो उसमें सर्च वारंट में मजिस्ट्रेट ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को DM को ऑर्डर किया था, या फिर अगर ADM लगाइए कि वो जानकारी करे क्या क्या पुलिस करना चाहती है, उसकी रिपोर्ट पूरी बना के ADM साहब ने दे दिया है, और उस पर भी निर्णय आज होगा। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंगली पुलिस प्रोसीड करेगी। सर, जो मुकदमे अभी दर्ज हुए थे उनमें कोई ऐसे मुकदमे भी हैं जिनमें गिरफ्तारी है? सभी में गिरफ्तारी होगी जो धारा बनती होगी। अभी आप सुन रहे थे कि रामपुर SP आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने कहा, किस तरह से उन्होंने आजम खान की गिरफ्तारी किन मामलों में हो सकती है ये साफ तौर पर जाहिर कर दी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या आजम खान भारत छोड़कर बाहर जा सकते हैं? जी आप सही सुन रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं क्या भारत छोड़ सकते हैं? इसको लेकर के भी पुलिस के मन में कुछ चल रहा है। पुलिस के मन में क्या चल रहा है, जब एक पत्रकार ने रामपुर SP से सवाल किया तो देखिए क्या जवाब दिया रामपुर के SP ने। कोई लुक आफ्टर नोटिस की भी कार्यवाही चल रही है? नहीं नहीं, लुक आफ्टर नोटिस नहीं है, मैं पता करूंगा। अभी उनका पासपोर्ट का भी मुकदमा है, तो पॉसिबली उनका पासपोर्ट जमा ही होगा, और लुक आफ्टर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो थे ही यहाँ पे। लुक आफ्टर उसका होता है जो गायब होता है। अभी तो आजम खान साहब उनके बेटे अपीयर ही हो रहे थे, हमें उम्मीद है कल अपीयर भी होंगे या आज ही अपीयर हो जाए, तो अगर नहीं होंगे तो जो प्रोसीजर बनेगा वैसे किया जाएगा।